गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट टाइम हमने वाटर कलर में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी आपको, और मैंने कहा था कि हम आगे जो भी वर्क करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग में हम वाटर कलर यूज़ करेंगे। तो आज मैं आपको वाटर कलर से रिलेटेड ही आपको कुछ ड्राइंग बताने वाली हूँ, और उसमें आपको क्या करना है कि सीनरी बताने वाली। तो इसमें आपको हैंकी, ब्रश, वाटर कलर, वाटर और आपकी प्लेन फाइल आपको लेनी है, और उसको कैसे करना है कि आप डायरेक्ट ब्रश से यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और उसमें आपको पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीनरी बना सकते हो। तो इसको चलो हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा आप हल्का सा लाइटली आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे कि अभी ये वाटर कलर लिया है मैंने, वाटर कलर को आपको जो केक्स है, केक वाले वाटर कलर, आपको वाटर से पहले इनके ऊपर थोड़ा सा पानी टच करना है, जिससे कि वो कलर थोड़े से गीले हो जाए। गीले होने के बाद हमको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने सब पे थोड़ा थोड़ा वाटर डाला है ब्रश से, आपको डायरेक्ट गिराना नहीं है पानी उस पर, थोड़ा सा ब्रश से टच करना ताकि वो थोड़ा सा गीला हो जाए, जो आपको रिक्वायर्ड कलर है इसमें। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम प्लेन पेपर लिया है, फाइल लिए है, तो उस फाइल में हम क्या करेंगे, पहले जो वाटर है, वाटर से हम ब्रश के थ्रू पेपर को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। आपको ज़्यादा पानी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेके वाटर को अपने पेपर पे डालना है, और फिर आपका जो कलर है उस कलर को लेके थोड़ा थोड़ा उस वाटर पे जहाँ पे आपने फैलाया है वहाँ पे टच करना है, जिससे कि वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक वाटर की वजह से वो कलर स्प्रेड हो जाएगा, और वो स्प्रेड आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक मिक्स हो जाएगा कलर बैकग्राउंड में। जैसे कि मैं क्लाउड का सीन ले रही हूँ, स्काई का सीन ले रही हूँ, तो देखो मैं वहाँ पे जहाँ गीला किया है वहाँ पे मैंने कलर को टच किया है, वो ऑटोमेटिक स्प्रेड हो रहा है और हमारा स्काई का जो है वो बन रहा है, ठीक है ना, स्काई का पैटर्न बन रहा है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा उसको वापस वाटर से स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप वाटर कर रहे हो उसके ऊपर फिर कलर टच करोगे तो आपके हो जाएगा। और स्काई के लिए देखिए मैंने ब्लू कलर लिया है और डार्क ब्लू कलर, ब्लू के जो शेड्स होते हैं उसके दो तीन शेड्स होते हैं आप कलर में, वो सारे कलर आपको थोड़े थोड़े लेने हैं, थोड़ा सा ग्रे कलर लेना है, तो क्लाउडी क्लाउडी पैटर्न आपका बन जाएगा। और ज़्यादा डार्क नहीं लेना है, क्योंकि जब स्काई में हमें वाइट कलर भी दिखता है, ब्लू भी दिखता है, ग्रे कलर भी दिखता है, तो उन सारे कलर्स को थोड़ा थोड़ा आपको लेके कंप्लीट करना है। और ज़्यादा वाटर भी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेके करना है, और एक ही प्लेस पे आपको वाटर को ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका पेपर फट जाएगा, क्योंकि पानी की वजह से गल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, और एक ही जगह पे आपको वाटर वाला ब्रश या वाटर कंटिन्यूसली आपको स्प्रेड नहीं करना है। देखिए धीरे धीरे जैसे मैं बता रही, आपको कॉन्सेंट्रेट करके वीडियोज़ को देखना है, फिर आपको वो वर्क कम्प्लीट करना है। अब जैसे मैं माउंटेन बना रही हूँ, तो माउंटेन के लिए भी मैंने ब्लू कलर से थोड़ी सी पहले आउटलाइन दे दी, और देखो पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कंप्लीट करना, मतलब वॉश टेक्निक यूज़ करनी। वॉश टेक्निक में मतलब हम एक पैटर्न लेके बना रहे, जब वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम इसके ड्राई होने के बाद इसके ऊपर हम और कलर से इफ़ेक्ट दे सकते हैं, लेकिन एक साथ कंटिन्यूसली अप्लाई नहीं करना है आपको कलर, नहीं तो पेपर भी फट जाएगा और हमें जो पैटर्न चाहिए वो नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, पहले बेस में जो शेड्स आ रहे हैं वो शेड्स आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने माउंटेन में ब्लू लिया, थोड़ा सा ब्राउन लिया, उस पर ग्रीनरी भी होती है तो मैंने थोड़ा सा ग्रीन भी लूँगी। जस्ट आपको इसका बेस कंप्लीट करना है, उसके ड्राई होने के बाद आपको वापस हम इसके ऊपर वन बाय वन लेयर टाइप कलर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कलर्स को अप्लाई करेंगे। और धीरे धीरे करना है, देखो माउंट जैसे मैंने इसमें आपने देखा कि मैंने ड्रॉ नहीं की, अगर आपको लगता है कि ड्रॉ करना चाहिए तो आप थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ आप ट्राई ये करो कि विदाउट ड्रॉ, इजी जो ड्राइंग्स हो विदाउट ड्रॉ किए हुए भी आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर लिया है, थोड़ा सा ग्रे कलर ले सकते हो, डार्क ब्राउन कलर ले सकते हो, और ये माउंटेन्स का एरिया आपको एक बार बेस कंप्लीट करना है। और आप जो भी ड्राइंग्स बना रहे हो प्लीज़ उस पर नेम और डेट्स आपको डालनी है, जिस दिन आप बना रहे हो उस दिन।
अब हम क्या करेंगे, नीचे का जो एरिया है यहाँ पे हम वाटर एरिया बनाएंगे, सी एरिया बनाएंगे, लैंडस्केप एरिया बोलते हैं जैसे। यहाँ पे वाटर का एरिया बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा यहाँ पे वाटर का एरिया ले लेंगे कि हमें इतने एरियाज़ में वाटर बनाना है, तो मैंने बाउंड्रीज ले ली और यहाँ पे मैं वाटर बनाऊंगी। तो वाटर में भी हमें ब्लू का टोन ज़्यादा आएगा, ब्लू थोड़ा सा ग्रीन टोन आएगा, थोड़ा सा डार्क ब्लू टोन आएगा, वाइट का टोन आएगा, और ऐसे करके हमें वाटर का बना। अब देखो जो वाटर वाला एरिया है उसमें मैंने डायरेक्ट वाटर मतलब पहले पेपर पे नहीं लगाया है, मैं डायरेक्ट कलर लेके वाटर से उस कलर को स्प्रेड कर रही हूँ जो कि हमारे पास वाटर इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। और ब्रशेस के भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं जो मैं आपको एक पिक सेंड करूँगी, उसमें आप देख लेना कि जो ब्रशेस के पैटर्न है, कौन सा ब्रश किस पैटर्न में हमें यूज़ होता है, किस टेक्निक्स के लिए यूज़ होता है। ये हमारा वाटर एरिया है तो हम धीरे धीरे इसको भी कंप्लीट करेंगे, एक साथ इक्वल कलर फिल नहीं करना है, कलर में भी शेडेड पैटर्न आना चाहिए आपके। कलर को एकदम कलर्स को आपको एकदम स्लाइटली लेना है, ऐसा नहीं कि हम ब्रश को एकदम फिल कर दिया कलर से, नहीं, थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे कलर लेना है और उसको स्प्रेड करना है क्योंकि ये वाटर कलर है। वाटर कलर ट्रांसपेरेंट पैटर्न में होते हैं और डार्क ब्लू थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा और भी कलर्स के यूज़ करके हमने इसके वाटर वाले इफ़ेक्ट कंप्लीट करने हैं आपको। अब हम इसमें लैंड का जो एरिया है वो कंप्लीट करेंगे, जो सी लैंड पे सी लैंड होता है वहाँ का जो एरिया मोस्ट ऑफ येलो स्टोन में आता है, येलो सैंड होती है वहाँ पे, तो थोड़ा येलो हो गया, थोड़ा ब्राउन हो गया, जो सैंड के जो कलर्स होते हैं वो आपको अप्लाई करने हैं। वहाँ पे भी देखो मैंने एकदम लाइट लाइट अप्लाई किया है कलर, ज़्यादा डार्क कलर्स आपको नहीं लेने, एकदम थिकनेस नहीं फील करनी है कलर्स को, हल्के हल्के फील करने हैं वाटर के साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पोस्टर कलर्स होते हैं वो थिक होते हैं, ये वाटर कलर है तो इसमें वाटर इफेक्ट आना चाहिए, और ये ट्रांसपेरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सारा वर्क कंप्लीट करना है। अब देखो जैसे क्लाउड, ये माउंटेन मैंने बनाया, माउंटेन्स का कलर थोड़ा सा ड्राई हो चुका है तो इसके ऊपर मैं थोड़े थोड़े कलर्स और अप्लाई करूँगी, फिर आप थोड़ी देर वेट करो वो ड्राई हो जाए, फिर उसके ऊपर और एक लेयर आप कंप्लीट कर सकते हो। और एक साथ आपको बहुत सारे कलर नहीं लेना, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा, और कलर्स आपको अच्छे से। फिर देखो क्लाउडी एरिया कैसे लग रहा है, माउंटेन एरिया कैसा लगता है, वाटर वाला एरिया कैसा लग रहा है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने लैंड बनाया तो लैंड में भी येलो के अलग अलग डिफरेंट पैटर्न यूज़ किए हैं, जैसे ऑकर येलो कलर, अगर आपके कलर्स में ऑकर येलो कलर तो आप डायरेक्ट फिल करो, थोड़ा ब्राउन नहीं तो आप येलो कलर में आप ब्राउन मिक्स करो और ये वाला शेड्स आप बना सकते हो। अब जैसे कि मुझे यहाँ ट्री बनाना है, ठीक है ना, सी एरिया पे कोकोनट ट्री बनाना है, हमारा मेन ट्री यही है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको डायरेक्ट मैंने ब्रश से एक लाइन ले ली है ट्री की, तो जो कोकोनट ट्री होता है वो ऊपर से पतला होते हुए नीचे की तरफ ठीक हो जाता है, तो अगर आप डायरेक्ट ब्रश से नहीं कर पाते हो तो आप पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हो, पेंसिल से एक हल्की सी लाइन ले लो उस लाइन से रिलेटेड आप, लेकिन क्या होता है कि पेंसिल फिर हमें वहाँ
शो होती है, क्योंकि ये कलर ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं तो उसमें ये कलर्स दिखते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हो कोई लाइट कलर यूज़ करके एक हल्की सी लाइन लेके आप बेस बना सकते हो। और जब भी आप न्यू कलर यूज़ कर रहे हो तब आपको बार बार ब्रश को वाटर में वॉश करना है और उसके बाद वापस रफ क्लोथ से इसको क्लीन करना है, ठीक है ना। उसका बेस मैंने बना दिया था लाइट कलर से ट्री का। अब धीरे धीरे इसके ऊपर मैं शेड्स कंप्लीट करूँगी, उसकी डार्कनेस दूँगी ट्री की। नीचे ग्रासेस एरिया बनाएंगे हम लोग और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। और जैसे हम डार्क टोन दे रहे हैं तो डार्क टोन के लिए आपको डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं करना है, आपको डार्क ब्लू, ब्राउन, डार्क ग्रीन, इन कलर्स को मिक्स करके इसका डार्क शेड बनाना है और उसके बाद इसको हम फिल करेंगे। आपको डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं करना है डार्क कलर्स के लिए। ध्यान रखना आप लोग को डार्क कलर्स यूज़ करना है, जैसे कि पर्शियन ब्लू जो डार्क ब्लू बोला जाता है, डार्क ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, इन चीज़ों को मिक्स करके आपको डार्क टोन बनाना है और उसके बाद इसके ऊपर आपको डार्क शेड कम्प्लीट करना है। ये स्लोली स्लोली काम करना, आपको कोई फास्ट नहीं, आप आराम से वर्क करोगे तो ये नीट एंड क्लीन आपका वर्क कंप्लीट होगा। अब जैसे कि उसकी ट्री की जो लीफ है, जो कोकोनट ट्री की लीफ बड़ी बड़ी होती है ना, तो हम वो ग्रीन कलर, तो हम क्या करेंगे इसमें ग्रीन के जो हमारे पास सारे शेड्स हैं वो सारे यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम नीचे लाइट टोन यूज़ करेंगे, लाइट से हम डार्क में जाएंगे। तो पहले हम बेस बनाएंगे, तो बेस के लिए वापस यहाँ पे और भी थोड़े बहुत ग्रीनरी और थोड़ा ट्रीज है, तो हम वहाँ पे भी कैसे कंप्लीट करना है वो आप देख सकते हो। ब्रश को वॉश करना है आपको हर कलर, जब आप डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हो फिर नया कलर ले रहे हो तो आपको ब्रशेस का यूज़ करना है, ठीक है ना। अब देखो कोकोनट ट्री के जो हम ब्रांचेस बना रहे हैं या उसकी लीफ बना रहे हैं, तो मैं पहले इसके बेस पैटर्न ले लूँगी कि हमें किस पैटर्न में इसको शो करना है, उसके बाद हम इसको वापस कलर करेंगे। डायरेक्ट ड्रॉ करके नहीं करना, देखो मैंने इसके ब्रांचेस को टर्न किया, कर्व लिया है। आपको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी, कर्व लेनी है लाइन में और उस कर्व में आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि मैंने एकदम लाइट ग्रीन कलर लेके उसकी ब्रांचेस कंप्लीट कर रही हूँ, देखो उसकी ब्रांचेस आपको जो बना रहे हो स्ट्रेट नहीं लेनी है आपको इसे, क्योंकि वो हैवी होती है उसकी लीफ, लीफ हैवी होती है ना तो वो नीचे की तरफ झुकी हुई होती है, तो आपको झुकी हुई लीफ को ऐसे नीचे की तरफ बताना है और इसके पैटर्न्स भी नीचे की तरफ ही टर्न करने हैं आपको। पहले लाइट टोन लेना है, फिर धीरे धीरे हम इसमें डार्कनेस करेंगे, एक साथ आपको डार्क नहीं करना है, ध्यान रखना। और डार्क करने के लिए भी आपको ग्रीन में डायरेक्ट ब्लैक यूज़ नहीं करना है। लाइट टोन कंप्लीट हो गया हमारा। अब लाइट टोन कंप्लीट होने के बाद हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे, जैसे कि हम लाइट के बाद थोड़ा सा डार्क ग्रीन लेंगे इसका वन टोन। डार्क ग्रीन लूँगी अगेन मैं, फिर इस पर हम कलर्स रिपीट करेंगे। कुछ चीज़ें होती है कि आपको कलर्स को सूखने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम जैसे कि देखो मैंने लाइट ग्रीन के ऊपर एक टोन और लिया है, तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप लेनी है सारी, ज़्यादा कलर ब्रश में नहीं लेना है। आपके नीचे में बेस में जो आपने कलर किया आपको वो भी थोड़ा दिखना चाहिए आपका कलर, और धीरे धीरे इस पर
और इसके बाद हम इस एक टोन और एक्स्ट्रा लेंगे, थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर। ये थोड़ा सा ड्राई होने का वेट करना, जब थोड़ा सा सूख जाता है तो आपको वापस इस पर रिपीट करना है। ग्रीन के अंदर आप थोड़ा सा ब्लू ऐड करके कर सकते हो। देखो जैसे वापस इस पर मैंने किया, अब देखो थोड़ा सा डार्क ग्रीन आप देख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा मैं रिपीट कर रही हूँ कलर। और जब मैं रिपीट रिपीट लेयर बना रही हूँ कलर्स की, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं हमारे ये सारे। देखो स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, तो हमारे ट्री में कितना ट्री कितना अच्छा लगने लग गया है। अभी तो और भी इसमें डार्क शेड आएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं इसको। ये एरिया आप देख रहे हो जिसमें कि मैंने धीरे धीरे डार्क शेड लिए, तो धीरे धीरे डार्कनेस दिख रही है। देखो कितना एक्स्ट्रा डार्क सेंटर में आने लग गया है। अभी भी हम थोड़ा सा और डार्कनेस इसमें लेने वाले हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा। और नीचे जो ट्रीज़ बने हैं, थोड़ी ग्रीनरी एरिया है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम ये ग्रीन के सारे शेड्स यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे। देखो ब्रश को मैं कैसे मूव कर रही हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा थिक कलर नहीं लेना है, ब्रश को स्प्रेड नहीं करना है, ब्रश पॉइंटेड होना चाहिए आपका आगे से, तो आपके ये स्ट्रोक्स अच्छे से आएंगे। अब देखो यहाँ पे जो एरिया ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमें दूर से माउंटेन एरिया के पास थोड़े थोड़े ट्रीज़ दिखते हैं, तो हम ये ट्रीज़ कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको ग्रीन कलर लेके ब्रश से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं और ये कंप्लीट करना है ट्रीज़ को। ठीक है, इस टाइप से आपको ये कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लीन कलर यूज़ करना है। आराम से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। देखो इसको अच्छे से मैं आपको पिक बता रही हूँ, जो नीट एंड क्लीन वर्क कंप्लीट करके आपको आप एक बार थोड़ा सा रफली प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप रफली प्रैक्टिस करोगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी बाउंड्रीज़ भी बना सकते हो, बाउंड्रीज़ बना के 1 सेंटीमीटर की और इसको कंप्लीट कर सकते हो। और हम नेक्स्ट टाइम लेंगे तो और डिफरेंट पेंटिंग बनाएंगे, वाटर कलर लेंगे। मोस्ट ऑफ वाटर कलर ही यूज़ करना है आपको, केक वाले कलर यूज़ करने हैं, न कि बॉटल वाले पोस्टर कलर। ओके, थैंक यू।